Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete newspaper analysis for 13th of December 2019. So 13th December 2019 ka news analysis dekhenge. Before we start, those who want to get the current affairs PDF, they can get it from the links given in the description comment section below. Ya fir jo hamara TEMS IAS ka current affairs portal join karna chahte hai, they can join it from the links given in the description comment section below. Theek hai? So let's start with the questions first. Pehle aaj ke questions dekh lete hain. First question is, whom in the following was not a member of the state's reorganization commission? इनमें से कौन मेंबर नहीं था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का? ऑप्शंस आर ए फजल अली, बी के एम पनीकर, सी एच एन कुंजरू या डी बी पी धार. क्वेश्चन नंबर टू इज, फेमस लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज गिवन बाय. तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर वाली थ्योरी थी कि कांग्रेस के बनने का जो रीजन था लाइटनिंग कंडक्टर की तरह एक्ट करना था, तो किसने दी थी थ्योरी? ऑप्शन आर ए लाला लाजपत राय, बी ए ह्यूम, सी आर पी दत्ता या डी गोपाल कृष्ण गोखले. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, द टर्म कैबिनेट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द टर्म कैबिनेट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर्स आर, ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 75, सी आर्टिकल 352 या डी नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट इज इट फॉर द डे. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप जरूर करिएगा. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. पहले मैं आपको एक बार जस्ट दे देता हूँ क्या क्या न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल डिस्कस करेंगे, आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिस्कस करेंगे, देन एक नई कमेटी बनी है रिगार्डिंग हैदराबाद इनकाउंटर्स, तो उसके बारे में जानेंगे कौन सी कमेटी है. इसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम न्यूज़ पेपर में. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट the CAG and the diversion of LPG. Then Lotus on the passport, क्या है जो नए passport आ रहे हैं उसमें Lotus एक बना के दे रहे हैं, तो क्या चीज़ है वो. Then हम articles discuss करेंगे, editorials में in the name of majority, citizenship amendment bill NRC के ऊपर है, exoneration basically ये भी एक article है जो कि recently clean sheet दी गई है नानावती panel द्वारा नरेंद्र मोदी को, उसके ऊपर है. political article है, हम ज़्यादा discuss नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत जो facts prelims से पूछ सकते हैं. वाटर प्लानिंग के रिगार्डिंग जल शक्ति अभियान के बारे में डिस्कस करेंगे. बोगन विले जो 194th नेशन बनने की राह पे है, इट्स नॉट द 194th नेशन बट इट इज गोइंग टू बिकम सूनर और लेटर. ओके, सो ये आप याद रखिएगा. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एससी एसटी कोटा जो पार्लियामेंट में एक्सटेंड किया गया है 10 सालों के लिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा. फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड एक दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे, जैसे कि रशिया का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट है उसमें जो आग लगी उसके बारे में जानेंगे. देन एयर पैसेंजर ट्रैफिक के बारे में जानेंगे, डीजीसीए के बारे में जानेंगे, नुमालीगढ़ रिफाइनरी के बारे में जानेंगे एंड भारत बॉन्ड जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसके बारे में जानेंगे. फाइनली हम IRDAI के बारे में भी जानेंगे. सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहली चीज़ की जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, तो पिछले 10 दिनों से ऐसा कोई दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन हमने ये डिस्कस ना किया हो. फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि जो लोग आज आए हैं उनको भी पता चलना चाहिए. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बेसिकली अभी रिसेंटली आया है, पास हुआ है एंड इट बेसिकली ग्रैंड सिटीजनशिप टू 6 कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स, 6 अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ को जो कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ मानी जा रही हैं इन 3 नेशंस. वो 3 नेशंस कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाली 6 कम्युनिटी के लोग, वो 6 कम्युनिटी कौन कौन सी, आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए. तो वो 6 कम्युनिटी हैं, पहली है हिंदू हैं, देन आपके बुद्धिस्ट हैं, देन जैन्स हैं, देन सिख हैं, देन पारसीज हैं एंड देन क्रिश्चियंस हैं. दीज आर द 6 कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स जिनको कि एक कट ऑफ डेट दी गई है कि अगर वो उस डेट के पहले आए हैं, मतलब कि कट ऑफ डेट क्या है, 31st December 2014. तो 31st December 2014 के पहले अगर ये 6 कैटेगरी के लोग इन 3 कंट्रीज से, कौन कौन सी थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो इन 3 कंट्रीज से अगर वो आए हैं, देन दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इलीगल माइग्रेंट अंडर 2 एक्ट. 2 एक्ट के थ्रू इलीगल माइग्रेंट बनते थे. कौन सा था? एक तो था पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 एंड एक था फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. ओके, तो फॉरनर एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920, इन दोनों के एक्ट के थ्रू उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं घोषित किया जाएगा. रादर अगर वो 5 साल से रह रहे हैं, मतलब कि पहले जो नेचुरलाइजेशन का, जो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन है, उसमें जो टाइम पीरियड है वो 11 साल का है, द टाइम पीरियड इज 11 ईयर्स, बट इन 6 कम्युनिटी के लिए जो इन 3 कंट्रीज से आएंगे उनके लिए टाइम पीरियड डिक्रीज करके 5 ईयर्स कर दिया जाएगा. सो द टाइम पीरियड हैज़ ऑल्सो बीन डिक्रीज फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 years, okay, for these 6 category of citizens coming from these 3 countries. तो इन 3 countries से आने वाले, अगर इन 3 countries से आ रहे हैं ये citizens, तो उनके लिए
जो टाइम पीरियड है वो भी घटा करके 5 साल कर दिया जाएगा। तो इसका काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, स्पेशली इन द असम रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्यों चल रहा है, थोड़ा मैं एक बार और उसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखो असम, बेसिकली असम में जो पीस प्रिवेल हुआ था वो असम एकॉर्ड के थ्रू हुआ था, असम एकॉर्ड ऑफ 1985। तो 1985 में असम एकॉर्ड साइन हुआ था, उसमें जो कट ऑफ डेट थी वो थी 24th मार्च 1971 के पहले के लोगों को ही, जिनके पास डेटा है, लेगेसी डेटा है, उनको सिटीजन या उनके आने वाली जो फैमिलीज हैं उनको ही केवल वहाँ पे सिटीजन माना जाएगा। और अभी जो NRC हुआ था असम में, उसमें भी कट ऑफ डेट 1971 की थी, बट जो अब ये आ गया है नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया है, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसमें कट ऑफ डेट 31st दिसंबर 2014 है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो अप्लीकेबल नहीं है असम में, ऐसा नहीं है, वो केवल ट्राइबल एरियाज में अप्लीकेबल नहीं है उसके, ना ठीक है ना, जो शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं उनके अंदर बस वो अप्लीकेबल नहीं है, बाकी रीजन्स में अप्लीकेबल है। तो ये भी आपको याद रखना, दिस इज द रीज़न वाई दे आर प्रोटेस्टिंग रिगार्डिंग दिस थिंग, है ना। और अब जो अगली न्यूज़ है वो है IIP श्रिंक्स अगेन, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स। तो जो IIP है यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ओके, दैट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड। अब इसका मतलब जब ये कम होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब कि जो प्रोडक्शन है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब ये IIP डिक्रीज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर, ये क्या शो करता है। दूसरी चीज़ जो इस न्यूज़ आइटम में थी वो थी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है ना महंगाई, द कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स या जो भी आप खरीदते हो, जो चीज़ें आप खरीदते हो अगर वो महंगी होना शुरू हो जाती है तो वो कहलाती है इन्फ्लेशन कहलाती है, दैट इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। तो ये बोल रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है एंड आपका प्रोडक्शन घटता जा रहा है। इसका भी एक कनेक्शन है दोनों का, कैसा कनेक्शन है बताता हूँ। देखो अगर पहले 10 मोबाइल फ़ोन थे, सपोज़ मोबाइल फ़ोन पहले 10 थे, ओके, 10 मोबाइल फ़ोन्स थे, हर मोबाइल फ़ोन की कीमत 5,000 थी, ओके, खरीदने वाले दस थे। नाउ सपोज़ मोबाइल फ़ोन्स डिक्रीज टू फोर, बट खरीदने वाले तो 10 ही रहेंगे, लोग तो कम नहीं होंगे, तो खरीदने वाले अभी भी 10 हैं बट मोबाइल फ़ोन्स आर 4। तो आपको क्या लगता है कि ये 5,000 का ही रहेगा कि महंगा हो जाएगा? ये महंगा हो जाएगा। सो दिस इज़ द सेम थिंग दैट इज़ हैपनिंग, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, चीज़ें मैन्युफैक्चर कम हो रही हैं, तो चीज़ें तो घटती जा रही हैं लेकिन खरीदने वाले उतने ही हैं, इंक्रीज्ड हैं, उतने ही ज़्यादा हैं। तो क्या इन चीज़ों के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है, दिस इज़ नोन एज इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन भी ये कौन सा वाला है, ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो, एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब आपके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है और उस कारण से जब महंगाई बढ़ती है तो वो कॉस्ट पुश होता है, और अगर वो सप्लाई साइड से होता है, और अगर आपका डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड हो रही है लेकिन सप्लाई उतना नहीं है ना, सप्लाई साइड है, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड बढ़ गई है लेकिन आपकी चीज़ें उतनी कम है, चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास ये डिमांड पुल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पहले IIP जो होता है वो हर महीने निकाला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, IIP इज़ कैलकुलेटेड एवरी मंथ, ओके, इट्स अ इंडिकेटर विच इज़ कैलकुलेटेड एवरी मंथ, पब्लिश्ड एवरी मंथ बाय CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको कंडक्ट करता है। तो IIP को कौन निकालता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हर महीने पब्लिश करता है, ठीक है ना। इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जो इंडेक्स है वो 40% उसका शेयर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ ही लेके बैठी हुई हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस ईयर जो IIP का है वो 2011-12 है, 2011-12 इज द बेस ईयर फॉर IIP। अब हमने दूसरी जो बात की थी वो थी इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो मेजर होता है बेसिकली वो होता है CPI, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे होता है। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है कि एक हमने बास्केट लिया, उस बास्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी, 400-500-600 अलग अलग प्रोडक्ट जो आप रोज़ यूज़ करते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन सारी चीज़ों को एक बास्केट में रख दिया और यहाँ से एक इंडेक्स निकाला, इन चीज़ों से मिलता जुलता एक इंडेक्स निकाला महंगाई का, वो आपका कहलाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि परचेजिंग पावर कितनी है कितनी नहीं है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है वो सीपीआई में ही होता है, तो यहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केट प्राइसेस लिए जाते हैं। एक दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो उसमें होलसेल प्राइस के बेसिस पे निकाला जाता है, प्रोडक्ट्स को होलसेल प्राइस पर निकाला जाता है, ठीक है ना। अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए और एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड रूरल लेबर्स के लिए तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और आपका जो सीपीआई ये रूरल अर्बन और कंबाइंड, ये जो सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड है ये निकाला जाता है सीएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये निकालती है। जो आरबीआई यूज करता है मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन, दैट इज द सीपीआई रिलीज्ड बाय सीएसओ रूरल अर्बन और कंबाइंड। और बेस ईयर जो इसका है ये भी 2011-12 है, तो ये भी आपको याद रखना कि बेस ईयर भी 2011-12 है। तो अगर आपने ये ग्राफ देखा हो तो देखो ब्लू वाला जो है वो सीपीआई को बता रहा है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन घटता जा रहा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स अ पैनल टू प्रोब हैदराबाद इनकाउंटर। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पैनल बनाया जिसका नाम है जस्टिस वीएस सिरपुरकर पैनल। ओके, तो जस्टिस वीएस सिरपुरकर कमीशन बनी है, ये पैनल बना है। दिस इज बीन सेटअप बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी रिगार्डिंग द पुलिस इनकाउंटर एंड किलिंग ऑफ 4 पर्सन इन द जो गैंगरेप एंड मर्डर ऑफ वेटरिनेरियन इन हैदराबाद हुआ है, उसके रिगार्डिंग ये पैनल बना है। नाम है वीपी सिरपुरकर पैनल और वीपी सिरपुरकर कमीशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फैक्ट फॉर द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन स्पेशली पूछ सकता है ऐसे, तो ये आपको दिमाग में रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव, यू कैन ऑल्सो मूव विद मी सेफली, यू कैन मूव विद मी, आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। कैग हिंट्स एट मैसिव डाइवर्जन ऑफ एलपीजी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है ये, क्योंकि कैग ने रिसेंटली उज्ज्वला योजना का सर्वे किया, मतलब एक तरह से ऑडिट किया। उज्ज्वला योजना आप सबको पता है कि बेसिकली आई थी फॉर द एलपीजी कनेक्शन। एक दो उज्ज्वला हैं, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग है, बट एक दूसरी उज्ज्वला जो है वो एलपीजी कनेक्शन के लिए भी है ना। तो उज्ज्वला योजना जो एलपीजी कनेक्शन के लिए थी उसका ही ऑडिट कैग ने किया, और उसमें ये कैग को पता लगा कि एक ही बेनिफिशियरी के नाम पे 20-20 सिलेंडर्स इशू कर दिए गए हैं। तो ऐसा कैग का कहना है कि जो ये एलपीजी सिलेंडर्स हैं इनका डाइवर्जन किया गया, मतलब कि जो ये आपका हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज़ होना था उसका जगह वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया गया। जैसे कि पहले यूरिया यूज़ होती थी ना, यूरिया आती थी फार्मर्स के लिए लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो जाती थी, फिर उसके लिए नीम कोटेड यूरिया आने लगी ताकि जो इसका डाइवर्जन है वो रोका जा सके। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे आपके एलपीजी सिलेंडर्स की। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वैनिशिंग इनटू थिन एयर। ये पता चला कि 2 से लेके 20 तक रिफिल्स हुए हैं इन अ डे टू अ सिंगल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी, जिसके यहाँ केवल एक ही कनेक्शन है, वो भी 20-20 रिफिल करा रहा है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये चीज़ें ऐसी कैग ने निकाली है। थोड़ा कैग के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करता है, एंड ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोलते हैं उसको, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। एंड बी आर अम्बेडकर ने कहा था कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि कैग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सी हेड एंड सील। टेन्योर, ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years or 5 years, whichever is earlier. He can resign any time by addressing his resignation to the president. वो अपना resignation कभी president को दे सकता है। Removal, he can be removed from his office by president in the same manner as on the same grounds of the judge of Supreme Court. जिस तरह judge of Supreme Court कटाते हैं उसी तरीके से आप उसको भी remove कर सकते हैं। Brood misbehavior, incapacity, इस तरीके से कर सकते हैं। Independence के लिए क्या क्या है कि जो उसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है, ही डज नॉट होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिसेज, एंड आप उसकी जो कंडीशंस उसको उसके लिए मतलब घटा नहीं सकते हो। हिज सैलरी इज इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। नाइदर हिज सैलरी नॉर हिज राइट टू लीव और सिंस पेंशन और रिटायरमेंट कैन बी अल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज वंस ही इज अपॉइंटेड। ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कैग के लिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना याद रखिएगा, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली हेल्थ हैजार्ड से बचाने के लिए, यानी कि इंडोर पोल्यूशन जो होता था पहले, जो चूल्हा और ये सारी चीज़ जलाने से इंडोर पोल्यूशन होता था, उसको घटाने के लिए और महिलाओं को हेल्थ हैजार्ड से बचाने के लिए जो बीपीएल फैमिलीज हैं, बीपीएल फैमिलीज की वुमेन के नाम पे एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। टैगलाइन थी स्वच्छ ईंधन
बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। 8 करोड़ इसमें लगभग कनेक्शन एलपीजी के किए गए हैं, पहले 5 करोड़ टारगेट था लेकिन अब 8 करोड़ हो गया है। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस 1600 रुपये पर कनेक्शन दिया जाता है, 1600 रुपये का दिया जाता है फॉर कनेक्शन। ओके, और जो बेनिफिशरीज हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा के रूप में निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का जो टारगेट है वो 2020 तक पूरा करना है। एंड 2019 में 5 करोड़ पहले हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया। And consumers will have the option to purchase gas stove and refilled on EMIs also. EMI में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट थी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लोटस ऑन पासपोर्ट्स इज अ सिक्योरिटी फीचर। अभी रिसेंटली क्या हो रहा था, लोकसभा में बवाल चल रहा था, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो नए पासपोर्ट आ रहे थे, न्यू पासपोर्ट्स, दे कैरी द लोटस फिगर, एक लोटस फिगर बना हुआ है इसमें। तो MEA यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है दैट दिस मेजर वुड बी, देखो ये लिखा है, द MEA said that the measure would involve the use of other national symbols as well on rotation and this is a security feature to identify the fake passports. तो MEA का ये कहना है कि जो ये लोटस नया बन रहा है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ इनहैंस्ड सिक्योरिटी फीचर टू आइडेंटिफाई द फेक पासपोर्ट। ये याद रखिएगा कि नए जो पासपोर्ट्स उसमें लोटस बना हुआ आ रहा है एंड दैट इज़ अ सिक्योरिटी फीचर टू गेट द फेक पासपोर्ट्स। फेक पासपोर्ट्स को पता करने का एक सिक्योरिटी फीचर है। Let's move to the editorial section in the name of majority. This article is regarding the citizenship amendment bill. सबसे पहली बात, हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात की है, फिर से बता देता हूँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया है, पास हुआ, 6 कम्युनिटीज़, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, इन कम्युनिटी के लोगों को, अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आ रहे हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले और अगर वो 5 साल तक रिसाइड कर लिए हैं तो उनको सिटीजनशिप देने का प्रोविजन है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। पहले इसका टाइम पीरियड 11 साल था। दूसरी चीज़ आपको एक इंपॉर्टेंट बता ही दी है मैंने कि मतलब कि अगर आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं घोषित किया जाएगा अंडर द फॉरनर ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1946, फॉरनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920, तो ये दोनों से ही आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं घोषित किया जाएगा। अब थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ इसके, इस बिल के इवोल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से ये बिल आया। तो बेसिकली 2003 में एक टर्म जुड़ा था इलीगल माइग्रेंट, 2003 में इलीगल माइग्रेंट की कैटेगरी ऐड हुई थी सिटीजनशिप में, सिटीजनशिप बाय बर्थ में। एंड उसके बाद से ही NRC और CAB का आना हुआ है, मतलब इमर्ज कह सकते। तो 2003 में इंसर्शन हुआ था अ न्यू कैटेगरी, इलीगल माइग्रेंट कैटेगरी। ओके, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ऑथर ने यह भी बोला कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या ये सारी चीज़ें नहीं है, वो एक कमेटी के बेसिस पे बोल रहे हैं। ओके, वो कमेटी थी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वाज एडवाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स टू यूज अ ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़। तो उसने ही, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एक प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ की टर्म बनाई थी और उसने यही कहा था कि ऐसे लोग जो दूसरी कंट्रीज में प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ में, जैसे कि हिंदूज, सिख, क्रिश्चियंस, तो उन कंट्री, उनके सिटीजन्स को हमें सिटीजनशिप देनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल नहीं होगा या फिर ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट नहीं करेगा। प्रॉब्लम्स क्या हैं बिल के साथ वो देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो ये इसमें रिलीजन के बेसिस पे एक प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। आपको पता है कि मुस्लिम कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें। आज आर्टिकल में 2-3 चीज़ें नहीं लिखी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अहमदियाज हैं पाकिस्तान में, अहमदियाज को मुस्लिम ही कंसिडर नहीं किया जाता है, तो वो भी एक प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी ही हो जाते हैं एक तरीके से, तो आपने उनको हेल्प नहीं दी। जो रखाइन स्टेट के आपके म्यांमार में रोहिंग्याज हैं, वो भी मुस्लिम कैटेगरी हैं, उनको भी आपने नहीं दी, वो भी प्रोसिक्यूटेड हैं। देन आपके तमिल्स इन श्रीलंकन तमिल्स भी एक तरीके से प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ ही हैं, तो आपने इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया। तो एक तरीके से क्लियर कट डिवीज़न दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सो दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को हमारे कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है ना। ये सारी, यही एक इसका मेन डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली। एंड कंक्लूजन में ऑथर ने यही बोला है कि जुडिशरी और सिविल सोसाइटी के ऊपर ही पूरा जो अंतिम में रेस्ट करता है, वो जुडिशरी और सिविल सोसाइटी के ऊपर रेस्ट करता है कि फिर वो क्या स्टेप्स उठाते हैं। और इस तरीके की जो काउंटर मेजोरिटेरियन चीज़ें हैं, मतलब कि जो मेजोरिटेरियन एस्पेक्ट्स हैं, इनको काउंटर करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ है। एंड एक्सोनरेशन बेसिकली इस आर्टिकल में चीज़ डिस्कस करने लायक है नहीं, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल
टाइप का एक आर्टिकल है, लेकिन बस इसमें जो प्रिलिम्स के रिगार्डिंग फैक्ट है वो ये है कि 2002 की जो कमेटी बनी थी, 2002 गोधरा एक्ट और जो राइट्स हुए थे गुजरात राइट्स, उसके रिगार्डिंग जो पैनल था कमेटी थी, उसने पीएम नरेंद्र मोदी को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है एंड द नेम ऑफ द पैनल वॉज नानावती मेहता कमीशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नानावती जीटी नानावती थे और एएच मेहता कमीशन था, तो जीटी नानावती एएच मेहता नानावती मेहता पैनल एंड दे हैव गिवन द क्लीन चिट। लेकिन ऑथर का बस एक व्यू पॉइंट ये है, मैं थोड़ा आपको पॉइंट बता दें कि कमीशन ने बोला है कि इट वॉज नॉट एन ऑर्केस्ट्रेटेड वायलेंस, मतलब कि इसमें ये ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ऑथर का ये कहना है कि इशू तो ये कभी था ही नहीं कि उन्होंने किया था कि नहीं, उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जो इशू था वो ये था कि ही वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन टू स्टॉप दिस, द इशू वॉज दैट। तो ये चीज़ ऑथर ने ज़रूर कही है कि ये क्वेश्चन तो कभी था ही नहीं कि उन्होंने किया कि नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया उसको स्टॉप करने के लिए, दिस इज द क्वेश्चन, दिस वाज द बिगर क्वेश्चन। सो ये चीज़ ऑथर ने यहाँ बोली, नॉट मेनी लेसन्स लर्नड फ्रॉम द वाटर प्लानिंग फेलियर्स। अब ये जो आर्टिकल है ये रिगार्डिंग आपका ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए जल शक्ति अभियान आया उसके रिगार्डिंग है। तो जल शक्ति अभियान क्या है, बेसिकली इट्स अ टाइम बाउंड एंड मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है, टाइम बाउंड है, मिशन मोड है, वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है एंड फेज्ड मैनर में लगभग 255 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा। टू ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होंगे जहाँ पे क्रिटिकली एंड ओवर एक्सप्लॉयटेड ग्राउंड वाटर लेवल है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उन जगहों पे ये जल शक्ति अभियान कैरी आउट किया जाएगा। ठीक है ना, एंड इट एम्स टू मेक वाटर कंजर्वेशन अ पीपल्स मूवमेंट, लोगों का एक मूवमेंट बनाने की मुहिम है ये कि वाटर कंजर्वेशन के लिए लोग अवेयर रहें और वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करें एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू या अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू करने की कोशिश करें। इट्स पार्टली मॉडल्ड एंड ड्रिवन बाय स्पेसिफिक स्पोरैडिक सम स्पोरैडिक सक्सेस स्टोरीज सच एज एनजीओ तरुण भगत संघ एक्सपेरिमेंट इन अलवर राजस्थान। तो एक तरुण भगत संघ करके एनजीओ है अलवर राजस्थान में, उसने ग्राउंड वाटर को रोकने के लिए जो मुहिम चलाई थी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, उसी चीज़ को बेसिस बना करके जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था, है ना। एंड रालीगंज सिद्धि महाराष्ट्र में भी जो अन्ना हजारे लेड एफर्ट्स थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन हुआ था, तो उस बेसिस को उसको बेसिस बना करके जल शक्ति अभियान शुरू किया गया। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ऑथर ने किया है, क्या क्रिटिसिज्म है याद रखिएगा, GS2 में आपका पूछ सकता है डायरेक्टली जल शक्ति अभियान का क्रिटिसिज्म। तो इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक डिजाइन, सबसे पहली चीज तो ये, आप वाटर प्लानिंग जब भी करते हो तो यू कंसीडर वाटर एज द बेसिस, यू डू नॉट कंसीडर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज द बेसिस। जल शक्ति अभियान में जो बाउंड्री है वो डिस्ट्रिक्ट है, मैंने बताया ना कि डिस्ट्रिक्ट 255 डिस्ट्रिक्ट को फेज्ड मैनर में करेंगे, बट हार्डली ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आपके वाटर बाउंड्रीज पे ऐसे हैं कि वाटर बाउंड्रीज उससे लाई करती है, मैच करती है। तो ऑथर ने कहा कि जो इसका डिवीजन है दैट इज नॉट वेरी साइंटिफिक, क्योंकि आपने डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट उठा लिए, बट वाटर बॉडीज क्या डिस्ट्रिक्ट बेस रहती है, कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक वाटर बॉडी रहती है क्या, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड रहती है, एंड बहुत कम ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बाउंड्रीज मैच करती हो, जिनकी बाउंड्री वाटर बॉडी से मैच करती है। तो प्लानिंग जो होनी चाहिए थी बेसिकली वो होनी चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्री ऑफ द वाटर बॉडी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये चीज है। दूसरी चीज, इट इग्नोर्स द डिमांड सप्लाई मिसमैच, तो सीधे सीधे जो डिमांड और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है उस चीज़ को ये नहीं मतलब कंसीडर कर रहा है इस प्रोग्राम। ओके, सो इट इज़ इग्नोरिंग द फैक्ट कि कहाँ पे वाटर स्ट्रेस है, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे डिमांड कम है, ये चीज़ यहाँ पे कंसीडर नहीं हुई है। थर्ड चीज़ जो है वो है डिस्टॉर्टेड अजम्पशन, सबसे बड़ी बात कि आपने अज्यूम कर लिया कि गांव के जो लोग होते हैं वो अवेयर कम होते हैं और वाटर ज़्यादा वेस्ट करते हैं। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो जो गाँव के एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनको 55 लीटर पानी मिलता है पर डे का, और जो दिल्ली के अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ 135 to 150 लीटर पानी मिलता है। तो ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत कहाँ है, या ज़्यादा स्कोप कहाँ है कंजर्व करने का, जहाँ ज़्यादा पानी मिल रहा है, और आपने अजम्पशन ये बना लिया है कि गांव के लोग ज़्यादा वेस्ट करते हैं तो वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात तो आपका जो प्रिमाइस है वही गलत है, आपका अजम्पशन ही गलत है, इसलिए डिस्टॉर्टेड अजम्पशन यहाँ पे ऑथर ने बोला। तो वही चीज़ ऑथर ने फाइनली कही कि हमारे प्लानर्स जो हैं दे डू नॉट मतलब कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच नहीं रहती है उनकी, और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कंसिडर नहीं करते ऑन द साइंटिफिक लाइंस। नेशन नंबर 194 ये बोगन विले की बात चल रही है, तो बस दो तीन फैक्ट है इसके रिगार्डिंग। एक रेफरेंडम हुआ है, रेफरेंडम इज द मेथड ऑफ आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आई थिंक चार मेथड होते हैं, एक तो रेफरेंडम होता है, दूसरा प्लेबिसाइट होता है, इनिशिएटिव होता है, एंड देन रिकॉल होता है। दीज आर द फोर मेथड्स, रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट एंड इनिशिएटिव, दीज आर द फोर मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आई थिंक दीज आर द फोर मेंशन है ना,
बोगन विले जो है बेसिकली दिस हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नेशन नंबर 194 बनेगा अगर ये बना तो, एंड अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट इट कैन बिकम द 194th नेशन। कहाँ से फ्रीडम लेने की बात चल रही है? पापा न्यू गिनी, ओके, पापा न्यू गिनी, वहाँ से फ्रीडम लेने की बात चल रही है बेसिकली। और पापा न्यू गिनी जो फ्रीडम मिली थी वो 1975 में मिली थी, तभी से ये इशू बन गया था। क्यों? क्योंकि एक कॉपर माइन है पेंगुना में, पनगुना नाम का टाउन है जहाँ पे कॉपर माइन है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू 45% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग। तो जो पापा न्यू गिनी की एक्सपोर्ट की 45% इनकम है वो केवल केवल इस कॉपर माइन पेंगुना से आती है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे थोड़ा रिसोर्सेज का जो इशू चल रहा था कि कौन कितना शेयर करेगा, बोगनविले को कितना पैसा मिलेगा इससे, तो ये इशू चल रहा था। इस कारण से बहुत पहले से ये डिमांड चल रही है, 1998 थे आई थिंक, ये डिमांड चल रही है कि बोगनविले को इंडिपेंडेंस दी जाए। पापा न्यू गिनी की इंडिपेंडेंस याद रखेगा 1975 में हुई थी, तो ये भी फैक्ट मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये जो शुड द क्रीमी लेयर नॉर्म बी एक्सटेंडेड टू SC/ST, ये जो आर्टिकल है आपको देखने में बड़ा लगेगा अट्रैक्टिव, किसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत फर्जी पॉइंट था अश्विनी देशपांडे। आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड बाय हर एज वेल एंड नॉट वेरी इंप्रेस्ड बाय सुखदेव थोराट ऑल्सो। ये लोग पता नहीं क्या बात है कि ये पूरे आर्टिकल में कोई ढंग की कोई ऐसा फैक्ट नहीं मिला जो अपन आंसर राइटिंग में यूज कर सकें या कुछ कर सकें। आप पढ़ के देख लीजिएगा इंटरव्यूज में, हालांकि ऐसी चीजें आती भी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिल पाती हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। फायर ऑन रशियाज ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर किल्स वन। तो न्यूज बेसिकली यहाँ पे एडमिरल कुज़नेत्सोव की है, तो नाम याद रखिएगा एडमिरल कुज़नेत्सोव। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या है, सो इट इज़ रशियाज ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसमें बहुत ज़्यादा एक फायर आ गया था, ठीक है ना। तो बस ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एडमिरल कुज़नेत्सोव, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज दिस, सो इट्स द ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ रशिया जहाँ पे फायर आ गया, ठीक है। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोज 11% इन नवंबर। तो जो बेसिकली न्यूज़ है इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में पता रहे। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है कौन सा नहीं। अभी हमने जैसे फ्रंट पेज में IIP के बारे में देखा तो हमको समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन तो बेटा घट रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोज 11%, सो दैट इज़ अ गुड सिंबल, है ना। तो हमारा जो एयर ट्रैफिक पैसेंजर है इट रिटर्न टू अ डबल डिजिट फिगर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर इन नवंबर, और हमारा जो कैरियर की ग्रोथ थी दैट सॉ एन 11% ग्रोथ इन द पैसेंजर डिमांड। तो लगभग 11% की पैसेंजर डिमांड हुई, एंड दिस इज एज पर द DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उनके डेटा के अकॉर्डिंग है। पहले 116.45 लाख पैसेंजर्स थे नवंबर 2018 में, और अब 129.47 लाख पैसेंजर्स हैं इन नवंबर 2019। DGCA की बात करें तो इट इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग सुपरवाइजिंग एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड सेफ्टी ऑपरेशंस एंड क्रू ट्रेनिंग इन इंडिया। तो DGCA जो है वो क्या इंप्लीमेंट करता है, कंट्रोल करता है, ये सुपरवाइज करता है एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स को, सेफ्टी ऑपरेशंस को, और क्रू ट्रेनिंग जो होती है, जो केबिन क्रू और ये सब की ट्रेनिंग होती है ना इन इंडिया, उन सबको मॉनिटर करता है। एंड इट इन्वेस्टिगेट्स द एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स एज वेल। फंक्शंस अगर DGCA के आप पूछे क्या कहें, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, लाइसेंसिंग ऑफ पायलट्स, कैरिंग आउट अमेंडमेंट्स टू द एयरक्राफ्ट एक्ट, एंड कंडक्टिंग एयर वर्दीनेस टेस्ट, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन टू इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स। तो ये सारे फंक्शंस हैं DGCA के। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, और ये आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ग्राफ बढ़ा है, एंड स्पेशली इन नवंबर। नुमालीगढ़ यूनिट की बात की जाए तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी न्यूज़ में थी, एंड बेसिकली IOCL एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड आर इन द रेस टू बाय भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 61.65% स्टेक इन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है वहाँ के IOCL जो है ये इतने परसेंट शेयर 61.65% शेयर जो है वो लेना चाहती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे बेसिकली ये है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ पर है, दिस इज़ द क्वेश्चन। वैसे इजी आपको न्यूज़ में ही दिख रहा होगा, लेकिन प्लीज़ डू टेल मी दैट, आप आंसर करेंगे तो ठीक रहेगा। प्लीज़ डू टेल मी दैट। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया, फील्ड बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड। ये भी याद रखिएगा, डिगबोई जो है वो फील्ड बेस्ड है, एंड बरौनी जो है वो एग्जाम्पल है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का, ठीक है ना। तो ऑयल रिफाइनरी जो मेजर है इंडिया में वो है डिगबोई, बोंगाईगांव, नूनमती, नुमालीगढ़, कोयली, हल्दिया, विजाग, कोची, मैंगलोर, चेन्नई, ट्रॉम्बे, जामनगर, पारादीप, रत्नागिरी, वडिनार,
तटीपाका, नागपट्टनम, बरौनी, मथुरा, करनाल, बीना, पानीपत, भटिंडा। तो प्लीज़ इन सारे जितनी भी ये मैंने रिफाइनरीज बताई इनको याद रखिएगा, उनकी लोकेशन ज़रूर बताइएगा मेरे को। कोशिश करिए कि इनकी लोकेशन अगर आप मुझे बता पाए इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट विल बी वेरी गुड थिंग फॉर यू। ओके प्लीज़ डू टेल मी दैट। भारत बॉन्ड ETF, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये न्यूज है, देखो द पब्लिक इशू ऑफ भारत बॉन्ड ETF, द कंट्रीज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये कंट्री का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। सबसे पहली बात तो आपको ये फैक्ट याद रखना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कौन सा है, तो उसका नाम याद रखिएगा भारत बॉन्ड ETF। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जो कि आप एक्सचेंज में जाके, जैसे सेंसेक्स होता ना, आप वहाँ पे शेयर बाजार में शेयर्स खरीद बेच सकते हैं ना, शेयर बाजार में शेयर आपने खरीदा अगले दिन बेच दिया, उसी तरीके से इन बॉन्ड्स को भी आप शेयर बाजार में लिस्ट करके बेच सकते हो। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। ओके एंड दिस इज द भारत बॉन्ड ETF, कंट्रीज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, दे आर म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। ओके तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले जो कि मतलब ऐसे इस तरीके के होते हैं ये कि स्टॉक एक्सचेंज में आप इनको लिस्ट करके इनको सेल कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। तो बेसिकली इसीलिए इनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं कि आप एक्सचेंज भी कर सकते हो इसको, ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है ना। ETF इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का ये इनिशिएटिव बेसिकली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन एग्जैक्टली डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का है। ओके एंड इट विल बी मैनेज बाय एडलवीस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये भी आपको याद रखना है। ETF जो कंप्राइज होता है, ETF एक तरीके से म्यूचुअल फंड मैंने बताया, तो म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको पता है अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स रहते हैं, शेयर्स रहते हैं, तो इसमें अलग अलग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इन सब के बहुत सारे जो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स का। यूनिट साइज जो बॉन्ड की है वो 1,000 रुपये रखी गई है, सो दैट द रिटेल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट। 1,000 रुपये रखा गया है यूनिट इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड ETF विल हैव अ मैच्योरिटी, फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, एंड इनिशियली दे विल बी इशूड इन 2 सीरीज। ओके 3 साल और 10 साल के लिए इशू करेंगे और इनकी एक मैच्योरिटी डेट रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने अलग से जो बेसिक फैक्ट्स हैं, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का अगर बेसिक फंड आपको याद रखना तो याद रखिएगा दे कैन बी ट्रेडेड एंड एक्सचेंज इन द, जैसे तरह शेयर मार्केट होता है ना, उसी तरीके से ये म्यूचुअल फंड्स को भी आप कर सकते हो। IRDAI forms groups to study loss prevention. ओके तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक ग्रुप बनाया है बेसिकली टू सजेस्ट सेगमेंट वाइज वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव लॉस प्रिवेंशन। जो लॉस होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी फंड में, उसके लॉस को किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए एक पैनल बनाया गया है, ठीक है ना। अब बेसिकली वो पैनल किसका पैनल है किसका नहीं है तो बताता हूँ। TL Alamelu के द पैनल विल बी हेडेड बाय TL Alamelu, he will be chairing this group। And IRDAI के बारे में बताता हूँ। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप बाय द IRDAI एक्ट ऑफ 1999। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेटअप हुई थी IRDAI एक्ट ऑफ 1999 के थ्रू। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी, एन अपेक्स बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर को। जो इंश्योरेंस सेक्टर ना LIC, FLIC आप सब जानते होंगे, तो ये सारी चीज़ों को जो रेगुलेट करता है वो IRDAI बेसिकली रेगुलेट करता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1994। तो मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट थी 1994 की, उसने इसको रिकमेंड किया था, तब जाके 1990 एक्ट के थ्रू IRDAI बनाया गया। ऑटोनॉमस एपेक्स बॉडी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आया 1991 में, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था IRDAI एक्ट के थ्रू। ओके तो ये भी आपको याद रखना है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो स्टैब्लिश हुई थी, ये बताई दी आपको, मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसको बनाया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो IRDAI वाज सेटअप एज एन ऑटोनॉमस बॉडी हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली, फिर हेडक्वार्टर लेटर शिफ्ट किया गया हैदराबाद तेलंगाना 2001 में। ओके एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो अपॉइंट करती है चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को, ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। कंपोजिशन अगर देखें तो कंपोजिशन की बात आप नहीं करिए, एक्ट जरूर याद रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1995 याद रखिएगा। 10 मेंबर टीम होती है, 10 मेंबर टीम होती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। एक चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम मेंबर होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है।
फाइव होल टाइम मेंबर्स एंड फोर पार्ट टाइम मेंबर्स। एक्ट 1999 का ही है, 1991 ऊपर आई थिंक गलती से लिखा है, 1999 का ही याद रखिएगा, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। और प्रेजेंट जो हेडक्वार्टर आई थिंक हैदराबाद में ही है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सो बेसिकली इसका काम क्या है, फीस लेवी करता है, प्रमोट करता है इंश्योरेंस बिजनेस को, जो इंश्योरेंस सेक्टर उसमें लॉस को एनालाइज करता है, सर्वे करता है उसके बारे में, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है इंश्योरेंस रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड तो वो पहुँचाता है। मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए रेगुलेट करता है, बेसिकली एडजुडिकेट करता है केसेस को जो इंश्योरेंस कंपनीज के रिगार्डिंग आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को कितना परसेंटेज, क्या जनरल इंश्योरेंस का परसेंटेज होगा, ये सारी चीज़ें ये पता करता है IRDAI। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।